dear viewers, welcome back to Time Drive. I'm your host and दोस्त अंकुर तनेजा. इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और थोड़ा बहुत पोल्यूशन के बारे में. अब आपने वो इमेजेस तो देखे होंगे कि सहारनपुर के एक विलेज से माउंटेन्स विजिबल हो रहे हैं. लास्ट ईयर भी ये पिक्स हमने देखी थी और इस साल भी हमें वैसे ही पिक्स देखने को मिले हैं कि वहाँ से माउंटेन्स विजिबल हो रहे हैं बिकॉज पीपल आर इन लॉकडाउन एंड उस लॉकडाउन की वजह से पॉल्यूशन कम है, तो इसलिए वो माउंटेन्स वहाँ से विजिबल हो पा रहे हैं. अभी पोल्यूशन को लेकर डिबेट काफ़ी समय चल रहा है. बहुत सी ऑटोमोबाइल्स कंपनियाँ अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने में लगी हुई हैं. अपनी टू व्हीलर्स नए हमें इलेक्ट्रिक हमें देखने को मिल रहे हैं एंड उन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिस्ट में जो टाटा नेक्सॉन है अब वो सबसे आगे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स. तो उसी की बात करने वाले हैं हम आपसे इस वीडियो में. तो कितने यूनिट टाटा की नेक्सॉन ने अप्रैल के महीने में बेचे हैं हम उसकी बात करेंगे एंड बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका भी क्या शेयर परसेंटेज है उसकी भी बात करेंगे हम आपसे इस वीडियो में. टाटा ने नेक्सॉन के जो हैं वो 525 यूनिट्स बेचे हैं अप्रैल के महीने की बात करें 2021 के. अब इसके अलावा जो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जैसे कि MG की ZS EV है, इसमें उन्होंने 156 यूनिट्स ZS EV के बेचे हैं जो अप्रैल का महीना था उसकी हम बात कर रहे हैं. फिर है टाटा टिगोर EV तीसरे नंबर पर, जिसमें टाटा ने टिगोर के 56 यूनिट भेजे हैं जो टिगोर का इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन है. एंड लास्ट में आती है Hyundai Kona EV. Hyundai ने कोना के 12 यूनिट्स बेचे हैं अप्रैल 2021 में. अब इसका मतलब है टाटा नेक्सॉन EV और टिगोर EV को मिलाकर ये दोनों गाड़ियां इस फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का 77% शेयर होल्ड करे हुए हैं एंड ये टाटा के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. स्पेशली टाटा की नेक्सॉन EV जो है वो फोर व्हीलर सेगमेंट में सबसे सस्ती गाड़ी के तौर पर देखी जाती है और उसके स्पेक्स और उसकी रेंज भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलती है. अब नेक्सॉन EV के बजाय जो नेक्सॉन कन्वेंशनल पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ी है उसके टाटा ने 6,430 यूनिट्स बेचे हैं अप्रैल 2021 में. सो कंपेयर टू नेक्सॉन जो कि पेट्रोल और डीजल इंजन वाली है, EV के नंबर्स आपको उतने ज़्यादा फिलहाल ना लगें, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक्सेप्ट कर रहे हैं इस डेटा से एटलीस्ट ये तो साबित होता है एंड कस्टमर्स आर प्रेफरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपेयर टू द डीजल एंड पेट्रोल इंजन कार्स. ये कुछ आंकड़े हैं 525 यूनिट्स टाटा ने नेक्सॉन EV के बेचे हैं. अब नेक्सॉन EV की जो प्राइस है वो है 14 लाख रुपीज़. उसका जो एंट्री लेवल XM वेरिएंट है उससे वो स्टार्ट होती है और ये चीपेस्ट इलेक्ट्रिक SUV जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये है. इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी मौजूद हैं उनमें सबसे सस्ती नेक्सॉन EV जाके आपको पड़ेगी. अब जो इसका टॉप एंड ट्रिम है एग्जैक्ट प्लस लक्स ट्रिम, उसका एक शोरूम प्राइस है 16.56 लाख रुपीज़ एक शोरूम. वहीं MG की जो ZS EV है उसका प्राइस स्टार्ट होता है 20.99 लाख से और जाता है 24.18 लाख एक शोरूम तक. अब प्राइस टैग के अलावा नेक्सॉन EV में आपको इन टर्म्स ऑफ स्पेक्स क्या देखने को मिलता है वो आप बताते हैं. इसमें 30.2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल करा गया है जिससे 127 BHP की पावर और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट होता है. रेंज की बात करें तो 312 किलोमीटर पर चार्ज रेंज नेक्सॉन की EV में आपको देखने को मिलती है. 20% टू 100% चार्ज ये 8 आवर्स में हो जाती है अगर आप नॉर्मल 15 एम्पीयर पावर आउटलेट से इसको प्लग इन करते हैं. फिर इसके अलावा DC फास्ट चार्ज का जो ऑप्शन है वो बैटरी को 80% तक सिर्फ 1 घंटे में चार्ज कर सकता है. तो ये कुछ खबर है टाटा की इस नेक्सॉन EV को लेकर जो फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेस है उसमें थोड़ा आगे जाता हुआ दिख रहा है एंड मेनली बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड द काइंड ऑफ रेंज टाटा इज ऑफरिंग विद द नेक्सॉन EV. फिलहाल अभी हमारी तरफ से इस वीडियो में इतना ही. आपको हमारा वीडियो कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वीडियो को लाइक शेयर और टाइम ड्राइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.